समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वायरस जो है इंसान से इंसान में फैलता है, और ऐसी जगह पे फैलने के इसको ज़्यादा इम्कान होते हैं जहाँ पे रश हो, जहाँ पे ज़्यादा लोग हों। तो ये जो हम सुनते हैं कि अमेरिका में, ब्राज़ील में या चाइना में ज़्यादा फैला, इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना रहा, ज़्यादा क्राउडेड स्पेसेस होते हैं, बाज़ार, मार्केट्स, होटल, रेस्टोरेंट, वहाँ से ज़्यादा फैला, सयाह ज़्यादा है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में एक तो यही वजह थी कि हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा सयाहत नहीं जितनी इन मुल्कों में थी, उसकी वजह से भी हो गया। और कुछ इब्तदाई तौर पर हम लोगों ने वाकई सरकार ने हमारे बड़े इसको मीडिया ने इसको हाईलाइट किया और लोगों ने इस पर काफ़ी इसको प्रैक्टिस की, SOPs को प्रैक्टिस किया और ये रुक गया और कम हो गया उस मुकाबले। लेकिन ये जब भी ये जो रश का आलम होगा, जब भी इस्तेमाल होंगे अवामी इस्तेमाल, जब भी ऐसा मौके आएंगे जो कि जैसा अब ये मौका रहा है, अब याद रखें कि जब ईद उल फितर आई थी तो उसके बाद भी एक बड़ी वेव आई थी जिसमें हमारे हम बहुत याद है हमें कि हमारे अतराफ पाकिस्तान में 5 से 4-5 हज़ार केसेस रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे थे। तो अब ये वो मौका फिर आ रहा है और हमने ये समझ लिया क्योंकि जो लॉकडाउन के इफेक्ट की वजह से कि हम ये समझ रहे हैं कि अब ये नंबर चूँकि कम आ गए हो गए हैं और मीडिया में कम आ रहा है तो ये शायद ये अब नॉर्मल सी आ गई है वापस। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी कराची की भी बात कर लें या पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 25-26 हज़ार केसेस एक्टिव केसेस मौजूद हैं जी हाँ, जो कन्फर्म केसेस हैं तो वो हैं इस वक्त। और वो और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले हालात के वो एक शख्स जो है तकरीबन एक को ही पहुंचा पा रहा है इन्फेक्शन। अब जब हम ये सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, जब हम मास्क पहनते हैं, जब हम हैंड वॉशिंग से हाथ धोने का ख्याल करते हैं तो एक शख्स एक को इन्फेक्ट कर पा रहा है अभी तक, 0.7% है तो। लेकिन अगर ये अमल रुक गया कि मास्क पहनने का अमल, हाथ धोने का अमल और सोशल डिस्टेंस सामाजिक दूरी रखने का अमल जो है वो रुक गया तो ये 1 से 5 तक पहुँच सकता है। यदि एक फर्द जो है 5 को इन्फेक्शन कर सकता है उससे भी ज़्यादा वो कर सकता है, और ये कर रहा था उस ईद उल फितर के ज़माने में, 5 में पहुंच चुके थे, हम अब 0.7 पे आ गए। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम 0.7 पे आ गए, तो हमें इसे मेंटेन रखना है ताकि हम कोरोना को ख़त्म कर सकें बजाय कि ईद या फिर उसके बाद नॉर्मल आराम आ रहा है जिसमें ज़्यादा लोगों का मिलना जुलना होता है। बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब सही कहा, और मैं अपने सुनने वालों को बता दूँ कि ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना वायरस से बचाव के रहन मौसूल क्या है और किस तरह हम उनसे बच सकते हैं, फिर मनोमन कराची की जानिब से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और ये प्रोग्राम हैंड्स की जानिब से यूनिसेफ और हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत सिंध के इश्तराक से बयफ़ और कराची और हैदराबाद से नशर किया जा रहा है। डॉक्टर साहब आप हैंड से मुंसलिक हैं जो सारी डिजीजें जो हो सकती हैं वो इससे होती हैं, इसके अलावा फिर वाटर बेस्ड जिसमें मलेरिया बढ़ जाता है, पानी हेपेटाइटिस ए जो है वो पानी की वजह से होता है। ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं जिसको आराम से हम अगर सफाई का ख्याल रखें और आलाइशें सड़कों पर ना डालना है और आलाइशें ज़्यादा दिन वहाँ ना रहें तो ये इससे लोगों को काफ़ी बेहतर होता है। सही आपने कहा कि ये इस तरह की बीमारी नहीं, कोरोना वायरस का खतरा नहीं है बल्कि और सैकड़ों बीमारियां हैं। बच्चों के बच्चे से ये पानी की जो बीमारियां हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज का होता है, 2.5 लाख बच्चे हर साल मर जाते हैं पाकिस्तान में, और ये इसी वजह से कि हम अपनी सेहत को और सफाई का ख्याल नहीं करते, या आलाइशें बाहर हैं या कि कचरा नॉर्मल लाइफ है हमारे बाहर पड़ा हुआ गली में तो वहाँ पर मक्खियाँ मच्छर बैठती हैं हमारे खाने पर बैठते हैं तो सारे लोग वाटर बॉर्न। तो डॉक्टर साहब आपने 35 साल या डेवलपमेंट के सारे सेक्टर्स में जिसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है और लाइवलीहुड भी, यानी रोजगार को कैसे बनाना है उनको, लीडरशिप के ऊपर मेरी बहुत पॉपुलर कुछ है तो, और डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए लोगों के लिए, गरीब इंसान के ज़्यादातर पावर्टी फोकस ग्रुप्स के लिए लोग सारी पब्लिक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर्टी, क्या पैगाम देना चाहेंगे आम इंसान को कि क्या करें जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए और पावर्टी लेवल भी हमारा कम हो जाए, एजुकेशन का जो हमारा रेशो बहुत कम हो जाए। देखिए एक जो मसावात जो है, रिसोर्सेज की मसावी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हुकूमतों का काम है, उन्हें करना चाहिए कि गरीब को भी उतने ही दे मिले जितना अमीर को, ये ना हो कि हम अमीरों के लिए तो फ्लाई ओवर बना दें गाड़ी वालों के लिए और गरीब बेचारा ठेले वाला जो है वो फ्लाई ओवर उसके लिए जान का अजाब बन जाए, तो ये ना हो हमें, क्योंकि हमारी ज़्यादातर आबादी गरीब आबादी पर मुश्तमिल है तो हमें उनका बहुत ज़्यादा फायदा है।
जिस तरह पैदल चलने वाले को ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, सड़क पे गाड़ी चलाने वाले को ज़्यादा। दुनिया में ऐसा ही होता है कि पैदल चलने वाले के राइट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसी तरह उस गरीब के राइट सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी तरह तालीम का बजट हमें बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, सेहत का बजट हमें बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि तालीम सेहत ये ऐसी चीज़ें जो फ्री मिलना चाहिए हर गरीब इंसान को जो पाकिस्तान में आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि हमारे पास वक्त तो कम है, व्हाट्सएप चल रही है आपसे, क्योंकि पेरेंट्स बहुत इस मामले में बहुत अच्छा निकाल रहे हैं ऐसे, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नेक्स्ट के हवाले से और स्टेट के हवाले से या हमारे पाकिस्तान सिंध के हवाले से, कि क्या हमें अभी तो लगातार करीब करीब है क्योंकि एक दिन बाकी रह गया है, मुख्तसर सा पैगाम तो मेरी तरक्की के लिहाज से ये है कि हम सब जो हैं वो खुद गर्जी छोड़ दें, हम सेल्फ लेस हो जाएँ। असल बात हमारा जो तबाही है, हम खुद गर्ज हैं एज ए इंडिविजुअल भी, फिर एज ए कबीला भी, तो ये खुद गर्जी ख़त्म कर दें, हम सब के लिए ज़िंदा रहें। दूसरों के लिए ज़िंदा रहना ज़्यादा नेकी का अमल है, बजाय कि आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए अपने ख़ानदान के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेख तभी, थैंक्स के लिए आपका बहुत।